मैं तुझे एक प्रश्न करता हूँ, वो प्लान थी एंड पास में है एंड मैं आखिरी में जब किया तो उसे जिस अगर मुझे पेपर्स लेना है तो सर सर बात करने की बहुत इच्छा है, बहुत दिनों से आप ओके स्मृतिका, ऑल द वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस बेस्ट। एंड ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट स्नेहा. थैंक यू सो मच। ओके सोनल सिंह. यस सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग. तो मैम मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ सर। मेरा अभी जो एग्जाम हुआ था टेब में सर, मेरा उसमें क्लियर हुआ था। मैंने आपको कल मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम के पे भी कि मैं ज्वाइन कर सकती हूँ कि नहीं इसमें, क्योंकि उस समय ना मुझे लिंक नहीं मिल पाया था सर, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पा पाई थी। तो अब जाके लग रहा है कि हाँ सही में मेरा नेट क्लियर हुआ है, क्योंकि आप लोगों से बात हो गई है। और सर से स्पेशली मैं ये बात बोलनी चाहूंगी कि सर मॉलिकुलर बायोलॉजी आपसे अच्छी सर मैंने किसी से भी नहीं पढ़ी है। मतलब मेरा मास्टर्स भी मैंने किया हुआ है, बट मॉलिकुलर बायोलॉजी आपसे अच्छा कोई भी नहीं पढ़ा सकता, ये गारंटी से बोल सकती हूँ। लिख और के मैम मैं दीजिए आपसे आप मेरे बोलना को. चाहूंगी कि मैंने मैम एमएससी और बीएससी मैंने बॉटनी से किया है, मगर मैम प्लांट फिजियोलॉजी मुझे आज तक कभी इतनी अच्छी समझ में नहीं आई। मतलब मुझे इतने शॉक में थी मैं कि मैंने मास्टर्स कर लिया और मेरे बेसिक मतलब अभी क्लियर कर रहे थे आप। तो मैम प्लांट फिजियोलॉजी मैम आपकी वजह से ही, मतलब मुझे लगता है कि प्लांट फिजियो की वजह से क्लियर हुआ है। मैम नोट से मैं ज्यादा शॉक हो गई थी कि आप दोनों के नोट्स से क्वेश्चन मतलब एकदम डायरेक्ट आए थे, और मतलब सर को मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी मॉल बायो के लिए। तो थैंक यू सो मच. ये बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. एक्सपेक्टेड था, और सर मेरा फर्स्ट और सर मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था सर में, जो कि सर आप दोनों की वजह से ही हो पाया। तो थैंक यू सो मच, थैंक बधाइयां, बहुत बहुत, ऑल द वेरी यू सो बेस्ट। मच, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस. नेक्स्ट सोनू. हेलो सर, हेलो मैम, हेलो. मैं सर हरियाणा से हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मेरा जियारत क्लियर हो और इंडिया रेट 151। और सर मैं हरियाणा से, और मैं पढ़ के आपसे ही बताऊंगा वो कल भैया से ग्रुप में कॉन्स्पिरेसी चल रही कि हरियाणा वाले अच्छे, हरियाणा वाले। वैसे तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं यार बताऊँ वीरेंद्र सर से और ज्योति मैम से, और पिछले 2 साल से मैं जुड़ा हूँ। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था ये, लास्ट टाइम सर मेरा नहीं हुआ था, तो मैं आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन आउट। तो आपने एक लाइन शेयर की थी कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिथले क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। उससे सर बहुत हिम्मत मिली और फिर हम फिर से उठे और लड़े और अच्छी बार जीत गए। तो जी बिल्कुल. यू आर द सर लाइव कल से आपको एग्जाम्पल आगे कि हम किसी भी स्टेट को नहीं कर सकते किसी भी कॉन्स्पिरेसी की वजह से. एंड इसके अलावा कॉन्ग्रेचुलेशंस. और उस वीडियो या किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि पूरा स्टेट गड़बड़ है. अब कुछ लोग जो है गड़बड़ हो सकते हैं मे पॉइंट आउट बी. किया जा रहा था, हाँ किसी स्टेट की तरफ पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा था, बट वही है। सर आपको नहीं बोल रहे हम, वो कुछ बच्चे हैं जो ग्रुप में कभी हरियाणा वाले अच्छे हरियाणा वाले रहते, तो उनको ताकि भाई नहीं हम देख पढ़े हैं इंग्लिश में पढ़े हैं। बच्चे कुछ इमोशनल्स भी हो जाते हैं ना क्योंकि ओके थोड़ा सा वो समझ सकते हैं. बट ठीक है आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे. एंड ऑल द बेस्ट सोनू. हाँ सर, और सर हमने मैंने आपकी हमेशा उससे के रिकॉर्डिंग से पढ़ा हूँ, कभी लाइव क्लास नहीं ली क्योंकि नेटवर्क नहीं रहता था लाइव क्लास लेने के लिए। जैसे छत पे जाके वीडियो डाउनलोड की, फिर नीचे आके देख लिया इस टाइप से कुछ, और कॉन्सेप्ट्स को आपने फर्स्ट से आज पे पहुंचा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. सो ऑल द बेस्ट. हाँ थैंक यू सर, नेक्स्ट सौम्य श्री. थैंक यू। ओके सौरभ साहू. हाँ थैंक गॉड, मेरा नाम थैंक बड़ा है, गॉड. मुझे लगा मेरा नाम ऐसे क्यों नहीं शुरू होता भाई मैं उनको देख रही थी तो से, मैंने बोला ये कितना मतलब वो होके वेट कर रहे थे। एग्जैक्टली, सौरभ एक थोड़ा देर और वेट करना पड़ेगा आपको. सौम्य श्री आ गई है तो हाँ मैंने शुरू कर दिया है ना सर अच्छा बोलने ठीक दीजिए आप बोल इसके दीजिए उसके बाद बाद बोल लेंगे. ठीक है आप बोल दीजिए. सौम्या आप इसके बाद बोल दीजिएगा. मैंने मैंने एक्चुअली क्रैक नहीं किया है, मैंने ना 3 मिनट पकड़े थे, और अभी जून वाले में मैंने अराउंड 72 कुछ मैंने मार्क्स रॉ स्कोर निकाला था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं मोटिवेट हूँ कि क्या करूँ। तो मैंने सोचा ये हैप्पी फेसेस जो मुझे देखने मिलेंगे ना, उनसे कुछ ना कुछ घुसेगा दिमाग में। दैट्स व्हाई मैंने ना आज की क्लास अटेंड करी। ये रेड क्वीन और मतलब इवन मतलब
जोक था पार्ट, बट जिनकी शादी हो गई लिटरली उनको देख के कितना बड़ा इंस्पिरेशन देखने को मिला मुझे, कि दो दो बच्चे हैं यार, उनकी उनका लेवल ऑफ मोटिवेशन देख के मुझे ही लगता था कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं इनके सामने लिटरली। थैंक यू सो मच मुझे फिलहाल ये इस जगह पे थोड़ा सा स्पेस देने के लिए। और लग पाए चांस मैंने कभी लाइव क्लास अटेंड नहीं करी यार, ना कि दूसरी लाइव क्लास जो मैंने अपने लाइफ में अटेंड करी होगी, तो वहां पे किसने बच्चे ने कहा कि आज गूगल मीट होने वाली, क्या होने वाली, कैसे होने वाली, तो फिर मैंने टेलीग्राम में स्क्रॉल किया तो मुझे फट से लिंक मिल गई, और जब मैं जैसे ही घुसा मैंने सोच लिया था कि मुझे छोड़ना नहीं है ये वाला, ये है वो ओके लिटरली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, ओके ऑल द आपने बेस्ट। बताया क्या मतलब यू गाइस मतलब क्या दिमाग है आप लोगों का, मैंने आज से पहले ऐसे माइंड ब्रिलियंस में कभी इंटरेक्ट नहीं किया लिटरली। गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैंने मतलब बैचलर्स किए, फिलहाल प्राइवेट कॉलेज से मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, थर्ड सेम में हूँ, बट आप लोगों का जो लेवल ऑफ जो वो बोलते हैं ना क्वालिटी एजुकेशन जो आप लोग दे रहे हो वो लिटरली मैंने कहीं नहीं देखा। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू मुझे वापस बोल देने देने के लिए, एंड जो भी थी यार यू कीप कैरी ऑन, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय, अगर चलिए आपसे कॉन्वर्सेशन, नेक्स्ट टाइम मिलना होगा। यस मैम, जी श्योर, आया, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ऑल द यस बेस्ट, यस, ऑल द ओके बेस्ट। नेक्स्ट सौम्यश्री। सौम्या श्री जी कहाँ गई आप? यार उदास हो गई क्या यार? अरे नहीं भाई, इतना दिल पे नहीं लेते। ओके सौम्यश्री, आई थिंक नेटवर्क किरर होगा, तब तक सुधा सुभा दासनी, सुभा दर्शनी। मैम एक बात अच्छा पूछनी फिर है से सर। आ गए। हेलो हाँ मैम, हाँ हाँ बताइए। हाँ हेलो सौमश्री, हेलो, हाँ जी सौमश्री बोलिए। नमस्ते मैम, नम जी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते सर नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते। फोर कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आई थिंक नेटवर्क इशू भी है ना थोड़ा ये नेटवर्क बात। इशू है। कॉन्ग्रेचुलेशन सौम्यश्री, एक नेटवर्क इशू है तो हम आपकी पूरी मैम बात नहीं सुन पा रहे, जो मैम, सो थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर, थैंक ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। यू सर, थैंक नेक्स्ट सुभा दर्शनी। यू मैम। सुभा दर्शनी प्रधान, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम फॉर योर नोट सर। ओके ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। वेलकम उड़ीसा, दिस ईयर आई हैव क्वालिफाइड सेशन है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर योर कॉन्ग्रेचुलेशंस। करेज, कंटिन्यूअस मोटिवेशन, योर नोट्स एंड ट्रिक्स दैट हेल्प्स मी अ लॉट। आई एम डूइंग पीएचडी। थैंक यू मैम वंस अगेन, थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट मैम। नेक्स्ट सुदीप्ता साहा। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर। एक्चुअली मैम ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 95.59% आया था मेरा, तो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो इस बार मैंने कोशिश की थी कि हो जाए आप लोग से, तो आप पावर मतलब गूगल मीट में। और मैम बेसिकली यही बोलना चाहूंगी कि आप दोनों हो तो पॉसिबल है, मतलब किसी भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है, जिस तरीके से डांट के फिर प्यार से आप लोग समझा के करवाते हो हमें सारी चीजें, तो बस आप दोनों हो तो पॉसिबल है। और सर आपसे ये बोलना चाहूंगी, आपने बोला अपना मतलब ये हम नए स्टूडेंट के बोलने की आई थी, तो फाइनली हम सब यहाँ पे थर्सडे फिर ज्वाइन किया आपके साथ, तो दीदी सर फाइनली एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैव क्वालिफाइड किया रहता है सर। थैंक यू टू दी फॉर इंफिनिटी सर मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस सुदीप्ता कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट सुमाना पाल। सुषमा शर्मा जी, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर, आपकी बारी सर। एंड मैम अनलेस क्वालिफाई किया है मैंने सर की, बहुत सारी क्लासेस लाइव देखी है मैम की, तो सारी क्लासेस मैं रिकॉर्डिंग से ही देखती थी। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं आप दोनों से लाइव इंटरेक्ट हो रही हूँ, आप दोनों मुझे हंसते हुए बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। और मैं पूरी अभी से मैंने ट्राई कर लिया है, कोशिश कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम जेआरएफ क्लियर करूंगी और आपके साथ इंटरेक्ट करूंगी।
थैंक यू सर, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट सुषमा. नेक्स्ट स्वाति वर्मा. वर्मा जी पुरानी कैंडिडेट. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग वर्मा जी. मैम मेरा लास्ट टाइम मैं क्वालिफाई हो गया था, लेकिन आज मेरा एनपीआरआई सिलेक्शन हुआ तो फिर ओके ओके बताइए. कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पीएचडी. कीप गोइंग अहेड. थैंक यू सो मच सर. नेक्स्ट सर मुझे आपकी पैकेज लिस्ट पे कर देते तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया. ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट. नेक्स्ट श्वेति बरवार. हेलो मैम सर. हेलो हेलो कैसे हो मैम? बढ़िया सर. कैसे मैम नाम श्वेति है. निकनेम श्वेति है और इस बार मुझे क्वालिफाई की है. कांग्रेचुलेशंस. लास्ट जो टाइम मैंने दिया था वो 42% तक मिला था. इस बार क्या रहा? स्वाति आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा प्लीज. ओके कांग्रेचुलेशंस स्वीटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. नेक्स्ट मेरा नाम डेविड. बहुत नॉइज आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हैं. ओके सो स्वीटी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है. आप एक बार या तो रिकनेक्ट करके देख ले, तब तक हम मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट के पास. त्रिषा राघव. नमस्ते सर. नमस्ते मैम. नमस्ते मैम. मेरा इस बार LS क्लियर हुआ है. फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरे ज्यादा यूनिट्स नहीं हो पाए थे, 6 यूनिट हुए थे बस, तो लेकिन नेक्स्ट टाइम हो जाएगा चेयर. इतना मतलब कॉन्फिडेंस है. कांग्रेचुलेशंस. और मेरा इस बार ग्रेड भी क्लियर हुआ था, वो भी मैंने आप दोनों से ही पढ़ा था. That's fantastic. और मेरे भाई का भी हुआ था लास्ट ईयर, और उन्होंने भी आपसे ही पढ़ा था, आप दोनों से. चलिए. उन्होंने मुझे बताया था कि आप दोनों से पढ़ूं मैं, तो हो गया. इस बार जितना भी था, इस बार मेरा MSc के पेपर थे बीच में, तो इस वजह से ज्यादा यूनिट नहीं हो पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम हो जाएगा. दैट्स ग्रेट. ऑल द बेस्ट त्रिषा. नेक्स्ट वंदना शर्मा. हां जी वंदना जी बोलिए. हेलो मैम. हेलो सर जी. हेलो. मेरा फेब्रुवरी में LS हो गया था 53 रैंक के साथ, और इस बार मेरा JRF क्लियर हुआ है 125 रैंक के साथ. आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत कुछ सीखा आप लोगों से, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट. कांग्रेचुलेशंस वंदना एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर. विकास. हेलो. हाँ जी विकास जी आवाज आ रही है? विकास जी को बोल. हाँ स्वीटी जी आवाज आ रही है, आप इसके बाद बात कर लीजिएगा. विकास जी बात कर रहे थे, जस्ट वेट फॉर सेकंड. हाँ जी बताइए. हेलो प्रणाम सर. हाँ जी प्रणाम. प्रणाम मैम. हेलो नमस्ते सर. मैम आप आपके कर नहीं हम, मेरा जितना भी कोरोना पीरियड था मैम, और सर आपके के साथ भी था पूरा. क्या कहना चाहते हैं? कोविड वायरस थे इसके सर, ये किडनी पट गई सर कोरोना पीरियड में, वही काफी है सर. मैं तो वीरू का स्क्वायर कट और आपका किडनी इतना स्ट्रांग है ना सर, अगर बच जाए तो ठीक है सर, वरना तो काम तमाम है सर. और ज्योति मैम का स्माइल ही काफी है, मतलब पूरा सेशन कंप्लीट करने के लिए नथिंग बोर्डनेस कुछ है ही नहीं क्लास में. और सर जो आपका जो मोटिवेशन लेवल है सर, वो क्या आपका सर, मैंने तो वो पूरा कोरोना पीरियड आप करना सर. यस मैम बोलिए. जी जी बोलिए बोलिए. आप
मैम पूरा नोट्स आपका ये बनाया था जो कि पढ़ा है उसी से हुआ है, एल एस सी हुआ मैम इस बार 116 रैंक के साथ हुआ है, बी एड में भी एडमिशन लिया हूँ लेकिन अभी हो गया, लेकिन लगता नहीं कि कुछ हुआ है, पता नहीं मतलब क्या लग रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कुछ आगे क्या है नहीं है। बिना जे आर एफ का सर आपसे सजेशन लेना चाहूंगा, बिना जे आर एफ का कुछ हो पाएगा या नहीं या कुछ ऐसा? आप अप्लाई कर सकते हैं, कई जगहों पे प्रोजेक्ट निकलते हैं, कई साइंटिस्ट के अंदर जो या कई प्रोफेसर्स के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो आपको ले सकते हैं पीएचडी के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट लाइक कि आपको हर जगह अवेलेबल होगा, कुछ कुछ के पास ही अवेलेबल होते, तो आपको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनसे बात करना पड़ेगा, बट लेकिन वो ये फेलोशिप का चक्कर फंसता है, तो विदाउट फेलोशिप आप कंटिन्यू कर पाएंगे ये भी बड़ा सवाल है, तो इससे रिलेटेड आप मुझसे पर्सनली बात कर लीजिएगा, आई विल गाइड यू पर्सनली कि क्या कर सकते हैं। ओके ओके सर, अभी तो प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है सर, कोई बात नहीं, लेकिन आपको फॉलो कर रहा हूँ, नवंबर 2021 तक ही मैंने फॉलो किया है सर, उसके बाद आप टेलीग्राम से जुड़े रहे हमेशा सर, जैसे कहते हैं ना एकलव्य जो करता था उसी टाइप से मैं कर रहा था, मतलब आपका ही नोट्स और बस टेलीग्राम पे आपको फॉलो, बस और कुछ नहीं, आप दोनों को फॉलो और कुछ नहीं किया हूँ सर। चलिए ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सर। जी स्वीटी बोलिए, आप क्या बोलना चाह रही थी? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी जी, गुड इवनिंग मैम, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है मैम। इस बार मैंने जेआरएफ क्लियर किया और लास्ट ईयर में मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ ही नहीं था, और इस बार बैठा हूँ, और थैंक यू सो मच सर मैम, कांग्रेचुलेशंस स्वीटी एंड ऑल द बेस्ट। किसी और को बोलना है? मुझे बोलना था पर मुझे याद आया, नहीं आया, अभी आया तो मैं कह रहा हूँ। तो एक्चुअली सर मेरे कुछ कुछ दोस्त हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो ना सर ऐसे करते रहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है और लाइक प्रॉब्लम्स है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो उन्हें पता है सर, मैं आपकी एग्जाम्पल देता हूँ कि एक वो बंदा मतलब सर हैं जो कि खुद पीएचडी कर रहे हैं, ऊपर से अपना यूट्यूब देख रहे हैं और अनअकैडमी देख रहे हैं, और हाल ही में उन्होंने अपना घर बनाया है, और हर लड़के का एक सपना होता है कि गाड़ी ले, घर ले, उसमें अपने मम्मी पापा को बैठाए। अब इतनी कम उम्र में कोई इंसान अगर इतना कुछ कर सकता है, दैट मीन्स कि वो डेफिनेटली अपने 24 आवर्स यूज कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगी पर वो उन्हें मैनेज कर रहा है। और फिर मैं उनको दिखाता हूँ जो भी आपका घर है, तो सर अब ये बात मैं कहना भूल गया था, अभी याद आया, तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन सर कि आपने अपने दम पे इतना बड़ा चीज हासिल की, मुकाम हासिल किया, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। और पता है मैम, एक और चीज आपके लिए भी कहूंगा, जैसे मैंने अभी देखा कि हमसे बड़े उम्र के कुछ लोग थे यहाँ पे जिन्होंने अपने मैरिड लाइफ और सब कुछ होने के बावजूद कुछ हासिल किया है, तो एक्चुअली ऐसा होता है कि मतलब ऐसे इंसान जब कुछ अचीव करते हैं ना, तो अगर उन्होंने अपने से छोटे उम्र के लोगों से कुछ सीखा होता है तो वो उनके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते या फिर उनको बोल नहीं पाते, पर मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि वो लोग आए और आपको अप्रिशिएट किए और आपको वो चीज दिए, मतलब कदर किए कि ये मेरे टीचर हैं, इन्हीं की वजह से मेरा हुआ है, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और इससे आपकी पर्सनैलिटी का भी एक झलक आता है कि आप कैसे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा मैम आप और सर आप दोनों ऐसे ही रहें, और मेरा एक गुजारिश है कि ऐसे ही आप जिंदगी भर डाउन टू अर्थ रहें ताकि कोई भी आप तक तो पहुंच पाए, और बस अभी और क्या कहूँ, अभी और क्या मैम, जो है डायनासोर के एजेस से है, बस थोड़ी 20 साल छोटी डायनासोर से, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक ओके, जोक्स अपार्ट, ओके एनीवन एल्स कुछ और करना चाहता है प्लीज, वी हैव यस मैम, जी बताइए कौन बोल रहा है? हेलो मैम, अरे पिंपल जी बोल रही हैं जी, धनवंती पिंपल जी बोलिए, नाम है सर, और आपने और आपको अगर कहो कि
कि कभी प्लीज चेंज मत होइए ना, तो प्लीज मतलब मुझे ये कहना है कि आप जैसे प्लीज वैसे ही रहिए, क्योंकि बहुत से लोग बहुत ट्रीमर टाइप आते हैं क्लास में और ईगो अपना साइड में नहीं रख पाते हैं, तो प्लीज आप जैसे हमें डांटते हैं आप ये करते हैं प्लीज वैसे ही हमेशा रहिए, क्योंकि हमें आपकी डांट बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप जैसे है आप दोनों प्लीज वैसे ही रहिए। थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मेरा इस बार क्लियर हुआ है, क्योंकि आप लोगों के जैसे लोग बहुत कम होते हैं। 127 रैंक थे, थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशन धनवंती एंड ऑल द बेस्ट। एंड नेक्स्ट कॉलर बोलना चाह रहे, मेरे पास जो है सिर्फ 4 मिनट है, सर मैं बोलना चाहती हूँ। सर मैं नाम, थैंक यू सो मच, मेरा इस बार ज्यादा क्वालिफाई हुआ विद 191 रैंक, और सच में आप दोनों की वजह से ही हुआ है। मैं दिन रात चलाती रहती थी मोबाइल पे, आप लोग की वीडियोस देखते रहती थी, घर में सब कहते थे क्या चल रहा है तुम्हारा, दिन भर मोबाइल पे लगी रहती हूँ। मैं कहती हूँ मैं सीरीज देख रही हूँ, लाइफ साइंस सीरीज अभी खेल रही हूँ। सर रियली सर मैं आपसे और मैम दोनों, मैं इक्वली आप दोनों को देना चाहूंगी, क्योंकि मैं दोनों को ही फॉलो करती थी इक्वली, और मैम आपकी एक शायरी जो है आपने क्लास में कहा था कि नींद उन्हीं, नींद से रिलेटेड आपने कहा था नींद उन्हीं की मजबूत होती है जिनके सपनों में जान नहीं होती, ऐसे करके जी डेवलपमेंट बायोलॉजी में, हाँ तो वो भी बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर था, और सर का वाला बहुत मुझे हेल्पफुल रहा है, सो थैंक यू सो मच सर एंड मैम, आप दोनों की वजह से जो हुआ है हुआ है, और मैं सर बनारस से ही हूँ, कभी मौका मिलेगा आपसे मिलने का तो जरूर मिलना चाहूंगी। बिल्कुल, लेकिन आपको सुनील शेट्टी जी कब से ढूंढ रहे हैं, आप उनसे पहले मिलिए। अंजलि ठीक है, ओके थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ओके ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट कोई बोलना चाह रहे हैं? जी सर, मतलब आप लोग जैसे मैम पढ़ाती हैं या सर पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाई का नशा हो गया था, बिना क्लास देखे नींद ही नहीं आती थी, 12 बजे से लगाओ और 3 बजे तक देखो, मम्मा बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और बोरियत भी नहीं होती थी, और कंसेप्ट सारा क्लियर, वो भी जब मौका मिला तो हम देखते थे। मैम ऐसे ही पढ़ाती रहिएगा, और आप लोग की वजह से हम जैसे लोगों को जो घर में बैठे बाहर नहीं जा सकते हैं, अपना ड्रीम जीने का मौका मिला कि फिर से इस टाइम में हम कुछ कर सके, और मतलब 85 रैंक तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए था, बहुत अच्छा लगा। तो मैम आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी रास्ता मिले, बच्चे क्या, हम तो बच्चे नहीं है, फिर तो बच्चियां है, वो होती थी लेट्स क्रैक इट, मम्मी की मैम आ गई लेट्स क्रैक इट। ओके ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट आलिशा जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? तो मैम है सर, सर हाँ जी, हेलो सर, सर मेरा आकांक्षा को सर को नजर पर नहीं मानी स्टूडेंट, हाँ बोलिए आकांक्षा, यस थैंक यू सो मच सर, एंड सर सर मेरा पिछली बार ऑडिटोरियम था, और इस बार तो मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं, सिर्फ 2 दिन रिविजन में सुधरा, और इस बार का विनर ने बनाया सर, सो थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू, ऑल क्रेडिट गोज टू यू, एंड नाउ आई एम एनरोल्ड टू PHU PLD इन द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। सर मुझे आपसे मिलना है, मैं भी बनारस में ही हूँ, और मैंने आपको वेलकम भी किया, आप उस टाइम पर टेक्नोलॉजी तो मैं जब से वेट कर रही थी आप दिल्ली से आएंगे तो मैं आपसे मिलूंगी। हे पार्थ, जूलॉजी डिपार्टमेंट में पीछे की तरफ ही सर का डिपार्टमेंट है, वहाँ चले जाना, ये कैसे पता? हाँ, पीछे की तरफ सर मैं आईटी कल मैं आईटी आ रही थी, आपको क्या शायद होंगे इसलिए मैं आ रही, मेरे डिपार्टमेंट में आके मेरा नाम नहीं लेना, भगा देगा गार्ड बाहर। मैं काफी बदनाम हूँ अपने डिपार्टमेंट में, कभी नहीं बाहर किसी से पूछो कि बता देगा, डिपार्टमेंट वाला नहीं बताएगा। नो सर झूठ बोलते हो आप ऐसा। महादेव जी आपकी आकांक्षा जरूर पूर्ण करें। फिलहाल के लिए आलिशा जी कुछ बोलना चाह रही थी, फटाफट बोलिए बिकॉज हम जो सर, हाँ जी सर, हाँ
जी जी इस बार मेरा जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है विद 194 रैंक. थैंक यू सो मच सर. मैम कांग्रेचुलेशंस से. सर ये मेरा दूसरी बार अटेम्प्ट था. पहली बार तो मेरा सिर्फ 54 ही मार्क्स आए थे. इस बार 103 आया है. सर ये पूरी मैंने मैनेज किया है बट सपोर्ट आप दोनों का था तो थैंक यू सो मच सर. ये मेरे घर वाले भी बहुत खुश है रैंक से. मेरे यूनिवर्सिटी और कॉलेज से भी सिर्फ मेरा ही हुआ है तो उन लोगों से भी. मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ तो उन लोगों से भी मुझे बहुत बहुत अच्छे से सर लोगों ने भी मुझे बहुत तारीफ किया. तो सर पूरा क्रेडिट आप दोनों को ही जाता है. थैंक यू सो मच मैम. ओके ऑल द बेस्ट अलीशा. एंड जी सिल्का बताइए. जी 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 फटाफट फटाफट. जी बिल्कुल बिल्कुल ऑल द बेस्ट. जी राजकुमारी जी बोलिए फटाफट. हाँ सर मेरा है ना पिछली बार भी LIC हुआ था और इस बार भी LIC हुआ है. हमको याद इसीलिए तो मैंने आपको मैं याद हूँ. हमको याद हो आपको भूल कैसे कोई सकता है. कोई बात नहीं ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन. एनीवन एल्स रेज योर हैंड इफ यू वांट टू लाइक. जी रोशनी बोलिए. हेलो सर मैम. हाँ विशाल जी बताइए. गुड इवनिंग मैम एंड सर. मेरा तो ज्यादा दो दो मतलब इसके पहले ही हुआ था. अभी मेरा जॉब लग गया है तो मैं सोचा आप सबको बता दूं. बताया भी था तो आज मैं ज्वाइन कर लिया हूँ. तो मैं अब CSIR वालों को ही पढ़ाऊंगा. IFS पुणे में आ गया हूँ. रूम पे हो गया है. अब बस पता नहीं मैं पढ़ा पाऊंगा इसका भरोसा नहीं है. कहाँ पे करना है. कहाँ पे. IFS पुणे. ओके नाउ कांग्रेचुलेशंस. बढ़िया है. देखो एक चीज करना, नाक मत कटवाना हमारा कि हमसे पढ़ के गए हो. ठीक है. मैं इंटरव्यू में बताया था. इंटरव्यू चल रहा था तो भी हो गया. कहाँ से पढ़े हो तुम. हाँ सब हो गया. सारा चीज हो गया. डॉक्यूमेंटेशन सब हो गया. कल से जाऊंगा पढ़ाऊंगा डायरेक्ट. चलो ऑल द बेस्ट. बताया था तो बस मुझे तो लगा कि इंटरव्यू खराब गया लेकिन फिर भी सिलेक्ट हो गया. यहाँ ज्वाइन कर लिया. वो पता नहीं कैसे ज्वाइन करवा लिए. पता नहीं बताया था रहती उन लोगों को पसंद आ गया लोगों को तो हूँ यहाँ पे. अभी वहाँ बहुत ज्यादा वैकेंसी है इस वजह से. मैं भी लेकिन मैं कहा ठीक है ना PhD नहीं करना तो कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा. पढ़ाना मुझे पसंद था इसलिए आ गया. ओके ऑल अबाउट दिस थिंग. थैंक यू सर एंड मैम. ओके सो टाइम इज रनिंग. आई थिंक थैंक यू सो मच. मैम मुझे निकलना है. मेरी जो है एक पेंडिंग है. फटाफट बोलिए क्योंकि मुझे कॉल भी आ रहा है. सर मैं ये बोलते आप मुझे अपने लैब पे भर देते हो बार बार. हेलो मैम एक्चुअली जो है ना कि आप मीटिंग इन कर दीजिएगा अपने साइड से. मैं मुझे जो है अभी तुरंत जाना पड़ेगा. ठीक है. सो चलिए थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल. मिलते तो आप लोग के घर मिठाई कितनी सारी पहुंचती. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी पहुंच. सारी पहुंच चलिए फिर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. बहुत मजा आया आपके साथ बात करके इसको जान के शेयर करके. मैम एक सेकंड. आप टी-शर्ट दे रहे थे ना हमें किचन पास वाला की माशाल्लाह वाला टी-शर्ट. मैम लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. सो यस
We are here. I am the Virendra Singh and I teach CSIR Life Science on an Academy platform. आप CSIR Life Science की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं Unacademy पे मेरे साथ और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, जहां पे आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर. सो Unacademy के ऐप को इंस्टॉल करिए, लॉग इन करिए और वहां से Unacademy के सब्सक्रिप्शन को या तो प्लस या तो आइकॉनिक ले लीजिए, जिससे कि आपको क्या है कि बहुत सारे यूनिट्स, बहुत सारे एजुकेटर्स मिलके आपके सपने को पूरा कराएंगे. तो जी हाँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ मेरे बारे में कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इसी के लिए जुड़ा हूँ. सो दिस इज मी, आई हैव एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो उनमें से आई टीच सी एस आई आर लाइफ साइंस एंड मैं सी एस आई आर, डी बी टी, गेट, ये सब एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुका हूँ. आई एम द लीजेंड एजुकेटर इन दिस कैटेगरी इन द सी एस आई आर. माई पी एच डी इज रनिंग फ्रॉम आई टी बी एच यू. आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट इन द बी टेक एज वेल एज इन द एम टेक. I was known for the interesting explanation and I was known for the trick master too. So I have guided more than 1000 qualified candidates. So aap mere sath Unacademy pe judke CSIR ka sapna pura kar sakte hain. Saath hi mein Unacademy Plus aur Iconic do tarike ke subscription Unacademy leke aaya hai. Plus mein aapko milte hain live classes, weekly test, structured courses, unlimited access. Ye sari cheeze Plus mein milti hain. In sab ke alawa Iconic mein कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती है, जैसे स्टडी प्लानर है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है, टेस्ट एनालिसिस एंड पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोच आपको मिलता है. एक बार अगर कंपैरेटिव बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्लस में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और शेड्यूल्स मिलता ही मिलता है. आइकॉनिक में इन सब के अलावा जो है आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशंस एंड पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग भी मिलता है. सो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चूज करना चाहते हैं तो 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है, जबकि प्लस सब्सक्रिप्शन 3, 6, 12 और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है. अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है CSIR के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और कोड जो है वो यूज कर सकते हैं Viren और Viren Live टू गेट द डिस्काउंट. सो प्लस क्लासेस जो कि मेरे स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको इस वीडियो में जुड़ा हूं, तो माय प्लस क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं 4th of July से. जी हाँ, 4th of July से जो है मेरे प्लस क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं. तो जुड़िए इस 4th of July से दिसंबर बैच के लिए, जिसमें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 अभी स्टार्ट हो रहा है 4th of July से 5:30 और 8:30 PM पे, जो कि आप देख सकते हैं. इनको एक्सेस करने के लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा कहाँ पे, Unacademy के प्लेटफॉर्म पे, और सब्सक्राइब करने के बाद मेरी क्लासेस में जोड़ना पड़ेगा. इसके साथ ही मैं कई सारे स्पेशल क्लासेस भी लेता रहता हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं. ये स्पेशल क्लासेस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है Unacademy के प्लेटफॉर्म पे, तो Unacademy के ऐप पे मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं और फ्री एक्सेस कर सकते हैं कई सारे कंटेंट्स को. साथ ही में Unacademy के ऑफर्स जो है वो लेके आए गए हैं, तो कई सारे ऑफर्स Unacademy के चलते रहते हैं. तो दीज आर द Unacademy स्पेशल क्लासेस जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं CSIR को. ठीक है, कुछ ऑफर्स जो Unacademy लेके आया है, उस ऑफर्स में से Unacademy का 20% ऑफर जो है ये चल रहा है. और इस पर्टिकुलरली ऑफर के ऊपर बात करें तो अनलॉक 20 में 30 जून तक वैलिड है. इस ऑफर का फायदा उठाइए और Unacademy लाइट का सब्सक्रिप्शन का भी फायदा आप उठा सकते हैं. तो Unacademy लाइट के सब्सक्रिप्शन का भी जो है वो फायदा उठा सकते हैं. यूज करना है आपको रेफरल कोड Viren Live टू गेट द डिस्काउंट. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट. बाय-बाय. यू वांट टू ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन है, या टेलीग्राम चैनल पे जो है Unacademy/Viren Singh के साथ जुड़ सकते हैं. या सिर्फ आप Viren Singh सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो इस टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं. लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जुड़िए फॉर द नोट्स, फॉर द थिंग्स और फॉर द क्लासेस आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ्री क्लासेस स्पेशल में, प्लस जो 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है. तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.